All right, you once again expressly, the expressway road reminds faces melting ice creams when the evening spread out against the sky. Here comes your very own RJ Shehbaz Singh. Assalamu alaikum, good evening, and very warm welcome to the brand new episode of Music Masti. आई होप यू आर डूइंग वेल, अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे और अपनी जिंदगी में मगन, उसको खूब से इंजॉय करें होंगे। वेल जी, आज है फरवरी की 14 और साल है 2021 और दिन है इतवार का, और कल से सबने अपने अपने काम पे दोबारा से चले जाना है। वेल विशिंग यू अ वेरी ग्रेट वीक अहेड, और आज के प्रोग्राम में क्या क्या है ये भी हमने आपको बताना है। बट व्हाट डू हैव राइट नाउ, एक ट्रैक, और उससे हम करते हैं प्रोग्राम का आगाज, वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, दिस इज योर वेरी ओन अवेस शहबाज टिल 10 PM। This is me, your very own Avais Shehbaz. Well, मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक रात के 10 बजे तक। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं, और पार्टिसिपेट करने का तरीका कार बहुत ही आसान है। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, LHR लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम और पैगाम लिखकर आपने भेजना है 3636 पर, यानी 3636 पर। और जब मैसेजेस मुझ तक पहुँचेंगे तो उनको हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। की ख्याल है, ठीक है कि नहीं? आज के प्रोग्राम में हम क्या कुछ करने जा रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो म्यूज़िक, यू नो, ज़रा मूव ऑन करते हैं, उसके बाद फिर कुछ करते हैं, ठीक है? चेक आउट द सॉन्ग, द ट्रैक नेम कॉल्ड इमेजिनरी। Once again, welcome back, एक बार फिर से आपको कहते हैं जी खुशामदीद। 8 बजकर हो चुके हैं 19 मिनट और ये है पाकिस्तान का मेयारी वक्त। Well, आजकल रात में ज़रा धुंध काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो जब आप रात को बाहर निकलें तो मेक श्योर कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं, ठीक है? अगर आप खास तौर पे ड्राइव कर रहे हैं तो आप बहुत स्लो ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसियां नहीं मार रहे, ठीक है? कभी कभी एफिशिएंसियों का जो है वो नुकसान हो जाता है, सो इसलिए आपने जो है वो अपने आप को बचा के और यू नो केयर के साथ चलना है, ठीक है ना? आपके मैसेजेस मुझे रिसीव होना शुरू हो गए हैं, सवाल मैं अभी आपको बता देता हूँ और फिर आप जो हैं वो मुझे उन सवालात के जवाबात भी बताएंगे, ठीक है जी? सवाल ये है कि आपने नाम लिए बगैर बताना है कि आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना? आपने नाम लिए बगैर बताना है कि आप पाकिस्तानी हैं। आइडिया आपको दे देता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना? आपको कौन रोक सकता है? खैर जी, आप जो हैं वो कोई मुझे यू नो किसी तरफ ध्यान दिलवा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ एसोसिएट कर सकते हैं कि जिससे आप ये कहें बगैर कि जी आप पाकिस्तानी हैं, बात जो है वो मुझ तक पहुँच जाए, और ये बातें जब मुझ तक पहुँचेंगी तो उनको हम अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। की ख्याल है, ठीक है कि नहीं? खैर जी, इसके अलावा जो है वो हमने क्या करना है, LHR स्पेस आपके मैसेजेस, उसको आपने भेजना है 3636 पर, एंड आई हैव द बेस्ट म्यूजिक फॉर यू फॉर टुनाइट, एंजॉय द बीट। You are enjoying ढोल वफादारा, कम ही मिलते हैं जी, बरल फिर भी जिनको मिलते हैं बड़ी अच्छी बात है। एनीवे जी, LHR स्पेस आपके मैसेजेस, उसको आप भेज रहे हैं 3636 पर, और कुछ मैसेजेस जो हैं वो मुझ तक पहुंच चुके हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। वेल, क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे नाम लिए बगैर बताना है कि आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना? नाम लिए बगैर आपने मुझे बताना है कि आप पाकिस्तानी हैं। इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? जिस तरह से आसिफ ने हमें मैसेज किया, आसिफ ने कहा कि जी हमारे घर में एक दराज है और वो प्लास्टिक बैग से फुल है, ठीक है ना? सो दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल दैट यू आर अ पाकिस्तानी। पारस ने कहा कि जी हमारे घर का रिमोट हमेशा टूटा रहता है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। बाद ने कहा कि जी हम जब घर से बाहर जाते हैं तो हम घर की लाइट्स जो हैं वो ऑन रखते हैं ताकि चोर को चकमा दिया जा सके कि हम यहीं पर हैं, कहीं गए नहीं। हाँ, ये बात भी है वैसे ना, दैट्स ट्रू, कि हम जब घर से बाहर जाते हैं तो हम घर की कोई ना कोई लाइट ऑन रखते हैं कि लोग जो हैं वो ये समझें कि यस यस ये बंदा जो है ये यहीं पर है, कहीं गया नहीं। हाँ, ठीक है जी। सो और मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं, LHR स्पेस आपका मैसेज, उसको आपने भेजना है 3636 पर, और जैसे ही वो मैसेज मेरी स्क्रीन पर आएंगे तो फिर उसको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे साथ। ओके, लाइव स्ट्रीम में हमें देख रहे हैं, वेल बडी, थैंक यू वेरी मच, और कीप इट अप ब्रो, थैंक यू। आपने कहा कि जी सेविंग कॉपीज ऑफ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है? पुराने वाले जो बिल होते हैं ना, सालों साल पुराने बिजली के बिल, वो हम संभाल के रखते हैं, ठीक है? और जब ट्रैफिक सिग्नल
पे आप खड़े होते हैं और इशारा रेड होता है, और उसके बाद फिर आप जो हैं वो हॉर्न पे हाथ रख देते हैं और फिर लोगों को तंग करते हैं, ठीक है? यानी कर्सिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल्स, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने। इसके अलावा और कौन कौन सी निशानियां हैं, नाम लिए बगैर आपने मुझे बताना है। LHR स्पेस आपके मैसेजेस उसका भेजेंगे 3636 पर, और ये मैसेजेस जब मुझ तक पहुंचेंगे तो उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वेल, नेक्स्ट पहल जो है वो जरा थोड़ा सा लंबा करते हैं ताकि आपके तमाम मैसेजेस जो अब तक मुझ तक पहुंच चुके हैं उनको शामिल करें, ठीक है ना? आप सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान, और मुझे कहते हैं अवैध शहबाज लाहौर स्टूडियो से बराह राज ही आपके साथ साथ। आप मुझे बता रहे हैं कि आप सच्चे पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपने नाम नहीं लेना, ठीक है? काम बताने हैं कि आप एक सच्चे पाकिस्तानी हैं। निदा ने कहा कि हम हमेशा खुशियां शेयर करते हैं चाहे कैसे भी हालात हों। वाओ वालदैन, बिल्कुल भी ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो जैसे भी हालात हों हमेशा खुश रहती है और लोगों को भी खुश रखना सीखती है। इट कुड बी यू नो फ्रॉम एनी थिंग, आप कोई मेम बना लेते हैं, आप लोगों को हंसाते हैं, आप जोक क्रैक करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, बट यू कीप पीपल हैप्पी। इसके अलावा खालिद ने कहा कि जब भी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो तभी भराते हैं, ठीक है? ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है कि जब, वैसे तो ज़्यादा पेट्रोल जो है वो हम बाइक में डलवाते ही नहीं, सिर्फ 50 रुपये का काफ़ी है ये घर तक पहुँचने के लिए और घर से बाहर आने के लिए और उसके बाद दोबारा पेट्रोल पंप तक जाने के लिए, इतना होना चाहिए। और नाजिश ने कहा कि जी हमारे मुल्क में रमज़ान में लाल शरबत वाफर मकदार में मौजूद होता है, बिल्कुल ठीक कहा जी। और इसके अलावा अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। शुभ ने कहा कि जी काम मुकम्मल हो चुका है, बस 5 मिनट और वो 5 मिनट जो हैं वो दोबारा कभी नहीं आते, यू नो इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और बहुत सारे जो हैं वो जो मिनट्स हैं वो घंटों में बदल जाते हैं, बट वो 5 मिनट जो हैं वो पूरे नहीं होते। एंड वजीहा ने कहा कि जी हम हमेशा 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 अपने अपना जो नाक है, ठीक है, उसमें हम उंगलियां डालते रहते हैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ। ऑल राइट, हाँ ये बात भी है, बट ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड फुरकान ने कहा कि जी टी शर्ट जो है वो हम फ्लोर मॉप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू पाकिस्तानी। एंड सहर ने कहा कि जी सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज अ जुगाड़, यानी आप जो हैं वो जुगाड़ लगाकर अपने काम निकाल लेते हैं। गुड जी, LHR स्पेस आपके मैसेजेस उसको आप भेजेंगे 3636 पर, और वो मैसेजेस मुझ तक पहुंचेंगे तो उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। राइट नाउ आई हैव एन अदर हिट नंबर, इट कुड बी अ शादी वाला गाना, है ना? ओके, एक बार फिर से हम आ चुके हैं वापस, और आपके मैसेजेस जल्दी से उनको शामिल करें। और कौन है जी, यूसुफ। यूसुफ ने कहा कि जी शेकिंग बाइक एंड टेल हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन बाइक एंड हाउ फार द बाइक कुड गो। हाँ वैसे ये वाला फार्मूला मुझे आज तक समझ नहीं आया, और इस फार्मूले का जो जो रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी होता है, और सिर्फ बाइक को हिलाते हैं और उसके अंदर से पेट्रोल की हल्की सी आवाज़ आती है तो फिर कहते हैं हाँ जी दफ्तर पहुंचेंगे, घर पहुंचेंगे, मार्केट पहुंच जाएंगे। शहबाज मलिक ने कहा गुड जी, थैंक यू वेरी मच, एंड ओनली अ पाकिस्तानी को टेल दिस। बिल्कुल जी, परफेक्ट परफेक्ट, ईटिंग पकौड़ा ड्यूरिंग रेन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ईटिंग पकौड़ा ड्यूरिंग रेन इज़ ऑल्सो एन अदर हिंट के जी आप जो हैं वो पक्के और सच्चे पाकिस्तानी हैं। वेल, आप मुझे नाम लिए बगैर बता रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, आप अपनी आदत शेयर कर सकते हैं, आप कोई भी ऐसी बात शेयर कर सकते हैं कि जो कि रिलेट होती हो, ठीक है? इसी तरह से जका ने कहा भाई स्टैंड चुक लो, ठीक है? जब भी आप मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं और रास्ते में जाते जाते आपका स्टैंड जो है वो आप उठाना भूल जाते हैं तो फिर पीछे से आवाज़ आती है पाजी स्टैंड चुक लो। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, बहुत लंबा ब्रेक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा छोटा सा छोटा सा, देयर यू गो। ओके, हम आ गए वापस, मैंने कहा था ना जी छोटा सा ब्रेक है, एंड देयर यू गो वी आर बैक। और फेसबुक पे हम लाइव है जी, आप जो है वो हमें लाइव देख सकते हैं facebook.com/avessonic AWAISONIC, ठीक है? आप इस पे आके हमें लाइव जरा देख सकते हैं और देख सकते हैं कि जी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है?
स्टैन चिकलोवो के साथ जो है वो एक और मुझे मोटरसाइकिल से ही याद आ गया। अभी तक किसी ने मैसेज नहीं किया बट मेरे जहन में आ रहा है, तो आई थॉट कि मुझे इसको शेयर करना चाहिए कि जब भी बाइक में पेट्रोल खत्म होता है हम बाइक को लिटाते हैं और उसका जो रास्ता है वो डायरेक्ट सोदिया के जो तेल के कुएं उनके साथ हो जाता है और उसके बाद बाइक स्टार्ट करते हैं तो वो चल पड़ता है ना। अरुज ने कहा खैर नल आते खैर नल जा, बिल्कुल ठीक कहा। एंड रेहा ने कहा वेडिंग इनविटेशन डिनर 9 PM जो कि कभी नहीं होता। नबील ने कहा ग्रुप मेरा इज ओवर बिगेस्ट क्रिकेट लीग्स एंथम। यार बहुत अच्छा गाना है, ठीक है ना, अभी तमाशा ना लगाया करो, हर चीज को जो है ना वो कंट्रोवर्सी में ले जाते हो, कभी अप्रिशिएट करना भी सीखो, ठीक है। नाम लिए बगैर बता रहा हूँ कि जी ये कौम जो है ये हर अच्छे काम को अप्रिशिएट भी करती है, किसी के काम को अप्रिशिएट भी करती है, सिर्फ ताने नहीं मारती। समझ आई कि नहीं आई। हीरा ने कहा कि जी हमारे घर में शॉपिंग बैग फुल है और वो सब के सब एक और शॉपिंग बैग में है, यानी एक शॉपर में बहुत सारे शॉपर, मतलब शॉपर ही शॉपर। हाँ ठीक हो गया जी, ये वाला गाना प्ले करते हैं साथ साथ, आपको ये गाना अच्छा लगेगा, ठीक है ना, परेशानी होना। ऑलराइट जी, भाई माचिस है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, बिल्कुल जी, लाइटर भी है हमारे पास अगर आपको चाहिए तो आई कैन ऑफर यू वन। इसके अलावा जो है आफ्टर यूजिंग स्वेटर फॉर 2-3 ईयर्स हम उसको जो है वो पोछा बना लेते हैं, मॉप बना लेते हैं, है ना, है ना, मजे की बात। ओके, इसके अलावा और कौन है हमारे साथ? अच्छा, नईम ने कहा कि जी हम प्लास्टिक कवर रिमोट कंट्रोल से कभी भी रिमूव नहीं करते, हमें पुराने क्यों ना हो जाए। वैसे प्लास्टिक कवर के अंदर भी वो जो जो उसके बटन्स होते हैं उसके ऊपर जो जो कुछ लिखा होता है वो सब कुछ मिट जाता है। आलिया कह रही है कि अम्मा जो है वो टूथपेस्ट काट देती हैं जो कि काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल हो सकता है। हाँ वैसे हम टूथपेस्ट की जान नहीं छोड़ते जब तक उसके अंदर से जो है ना वो आवाज़ ना आने लग जाए, पाई मैनू माफ़ कर दो। 51 past 8 राइट नाउ LHR स्पेस, आपके मैसेजेस उसको आप भेजेंगे 3636 पर और आप मुझे नाम लिए बगैर बता रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हैं। अच्छा ये बड़ा मजे का मैसेज है, जैन ने कहा कि जी जब भी अंदर से आवाज आई कि कौन, और बाहर से मैंने हमेशा कहा जी मैं। अच्छा ये बड़ी मजे की बात होती है ना, जब हम किसी के घर जाते हैं और आप दरवाजा नॉक करते हैं और अंदर से आवाज आती है जी कौन, आगे से आप कहते हैं मैं। एंड नो नेम लिखा है लोए ललन तो पति साहब। गुड जी, दिस वन इज ऑल्सो यू नो, और आपको गली मोहल्लों में बहुत सारी आवाजें भी आती हैं, है ना, कोई सब्जियां बेचने वाला, कोई मछली बेचने वाला, कोई प्लास्टिक बेचने वाला, कोई पुराने कपड़ों पे जूते बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला, सब कुछ आपको नजर आता है। एंड फकीहा फातिमा ने कहा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, द फादर ऑफ द नेशन आप भी आप कह सकते थे नाम लिए बगैर। अच्छा अली ने कहा कि जी हमारे पास एक टॉफी बॉक्स है, उसके अंदर लेस और बटन और सुई धागे बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड सादिया सेड के जी फ्राइडे इज अ बिरयानी डे बट टुडे इज संडे, व्हाट डू यू नो अबाउट संडे, संडे इज आलू पालक डे, है ना, कोई दाल डे, क्योंकि कल से सबने अपने अपने कामों पे जाना होता है, किसी ने स्कूल जाना होता है, किसी ने कॉलेज, किसी ने यूनिवर्सिटी, किसी ने दफ्तर, किसी ने वैसी आवारा गर्दी करने जाना होता है और किसी ने नौकरी ढूंढने भी जाना होता है, किसी का इंटरव्यू होता है और वो हमेशा लेट जाता है या बिल्कुल ही नहीं जाता, कहता है जी फिर कभी चले जाएंगे, है ना, इतने लेजी हो चुके हैं हम, सोच लें आप खुद ही। ओके व्हाट डू आई हैव नेक्स्ट, व्हाट डू, क्या उसने बोला मुझे समझ नहीं, खैर एनीवे मेरे पास फिलहाल ये है, ठीक है ना। खीली बारात लेके आप आई है ते सारी शहर से, दुहाई नहीं दुहाई पाई, अच्छा चलो ठीक हो गया जी। आप मुझे नाम लिए बगैर बता रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हिंट्स बहुत सारे मैंने आपको दे दिए, बहुत सारे मैसेजेस भी आपने सुन लिए और देख भी लिए। तो जनाब खालिद हैं, खालिद कहते हैं कि जी हम बातें बहुत करते हैं मगर अमल में ज़ीरो। अच्छा ये सिर्फ हमारे अलमिया नहीं है, ये पूरी दुनिया का अलमिया है, हर पूरी दुनिया में इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि जो बातें बहुत करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अब मेरा काम बातें करना है, ठीक है, और मैं अमल भी कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है, बातें कर रहा हूँ तो मैं अमल ही करता, यानी तुसी मैनू पॉइंट मारे है।
ऐसी बात नहीं है जी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग भी मौजूद हैं, मेजॉरिटी जो है वो हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हाँ, अगर यूथ की आप बात करें तो यूथ आजकल जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा लापरवाह है। हाँ, वो बहुत ज़्यादा बातें करती है लेकिन अमल बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है ना। वो रातों रात जो है वो अमीर कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात वो किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, रातों रात वो ग्रेड 17 के अफसर लगना चाहते हैं, बट अमल ज़ीरो है भाई। मेहनत करेंगे तो कुछ होगा ना, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। अच्छा, पारस ने कहा कि जी चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे हाँ है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो यूसुफ ने कहा कि जो CNIC और बाकी जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम जो है वो लेमिनेट करवा लेते हैं, यानी उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग करवा लेते हैं ताकि देर पा उसका असर रहे, मरते दम तक वो बिल्कुल ठीक रहे। हालांकि ऐसा नहीं होता, समटाइम आपको लेमिनेशन उतार के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, उसके ऊपर कहीं कहीं स्टैंप लगनी होती है। इट इट हैपन विद मी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि एक दफ़ा मुझे कहीं डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे और वो लेमिनेटेड थी, क्योंकि हम पाकिस्तानी एज वेल, तो जी उन्होंने कहा ये कोटिंग उतरवा के लाएं। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैं किसी थर्मल वाले के पास गया, उसको मैंने कहा यार इस डॉक्यूमेंट के ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग उतारनी है। तो खैर आधी कोटिंग उतारी, आधी मिनतें की, और उसके बाद फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो अटेस्ट करवाए और सर्टिफाई करवाए। वक्त हुआ चाहता है 8:59, यानी 59:01 PM। उसके बाद आज का दिन खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी रह जाएंगे। ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद, यू आर लिसनिंग टू एफएम 100 पाकिस्तान, और मुझे कहते हैं जी अवैस शहबाज, मेरा और आपका साथ रहने वाला है ठीक रात के 10 बजे तक, और हमारे पास तकरीबन 51 मिनट बाकी हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, बट राइट नाउ मेरे पास जो है वो नेक्स्ट इन लाइन क्या है, देयर इट इज। अफसा ने बहुत लंबा मैसेज किया है और इसका जो लुबे लुबाब है वो ये है कि अगर आप किसी को रास्ता बताते हैं तो उसको आप ऐसा रास्ता बताते हैं कि जहां वो खड़ा होता है वो खुद ही भूल जाता है कि वो कहां पे है। एंड खिजर सेट के हाँ जानी, रास्ते में हूं बस 5 मिनट। एंड इखलास सेट की जी सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। एंड जुनेद सेट की जी पिछों गड्डी मार के और तेनू नजर नहीं आंदा। हाँ, ये वाला बहुत बड़ा वाला मसला है, पीछे से आप पहले गाड़ी जो है वो हिट करते हैं, उसके बाद कहते हैं यार तुम्हें नज़र नहीं आता, मतलब उसकी आंखें आगे हैं पीछे तो नहीं है ना यार, अब उसने सर पे तो आंखें नहीं लगवाई कि वो देखे कि पीछे क्या है। वैसे ऐसे लोगों का ना कोई हल होना चाहिए। यार दिन में कितनी सेल होती होगी इनकी, है ना। हाँ, कभी कभी हम किसी जगह पे बैठे होते हैं और फिर हम अंदाजे लगाते हैं कि यार अच्छा इस बिज़नेस में इसका जो है वो मतलब कितना ज़्यादा ये एक दिन में कमाता होगा, या जो भी आउटलेट है उसकी कितनी सेल होती होगी। राइट नाउ आई हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ नारा मस्ताना रिमिक्स, आई होप यू आर गोना एंजॉय इट। इट्स 9:20 राइट नाउ ऑन द टाइम FM 100 पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो से बराह रास्त, मुझे कहते हैं अवैस शहबाज। वॉज नाराए मस्ताना आबिदा परवीन की आवाज़ में, रिमिक्स ट्रैक आप सुन रहे थे और बहुत ही कमाल का, आई डू लाइक इट, मुझे तो ये अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये आप मुझे बता सकते हैं, लचार स्पेस आपका मैसेज उसको आप भेजेंगे 3636 पर, और वो मैसेज जब मुझ तक पहुँचेगा तो हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ठीक है ना। सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि आप मुझे नाम लिए बगैर बता रहे हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, कुछ जवाब मुझ तक आ चुके हैं, उनको हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इसको प्ले करते हैं, ठीक है ना। लेट्स चेक दिस आउट कि ये वाला ट्रैक जो है कैसा है। खालिद है हमारे साथ अगेन। बरसात की बारिश में खूब इंजॉय करना। हाँ, वैसे बरसात की बारिश में हम जो है ना वो मेंढक भी तलाश करते हैं, और रात को अगर घर में हमें मेंढक की आवाज़ आ रही हो तो फिर हम कहते हैं कि जी पानी कहीं खड़ा हुआ हुआ है और बहुत सारे मेंढक जो हैं वो आ चुके हुए हैं, है ना। आपके मैसेजेस की तरफ चल रहा हूँ मैं, और आप मुझे बता रहे हैं आखिरी आखिरी मैसेजेस में कि
नाम लिए बगैर आप पाकिस्तानी हैं। अमल फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त हूँ जी। और आपने कहा ज़बरदस्त ज़बरदस्त शो, बहुत शुक्रिया। मैंने लास्ट शो में आपको रिक्वेस्ट की थी एक सॉन्ग की और आपने वो पूरी नहीं की, शुक्रिया। घर चलो जी, छुट्टी करो, अभी मेरा टाइम है छुट्टी करने के लिए, ठीक है? तकरीबन 30 मिनट बाकी हैं। इट्स 9:30 राइट नाउ जी। आप मुझे अब बताएंगे ऐसी मूवी का नाम कि जिसको देखकर आपके आंसू टपक पड़े हों, ठीक है ना? ऐसी मूवी का नाम जिसको देखकर आपके आंसू टपक पड़े हों, यानी टप 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 कर पड़े हों।